कॉम्प्लेक्स नंबर का कर रहे थे, कंटिन्यूड है ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि ए एक ग्रेटर दैन जीरो यानी कि पॉजिटिव नंबर है, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है हम लोग को, वन प्लस आयोटा होल पावर टू, और डिवीज़न में है ए माइनस आयोटा, ये ऐसा दिया हुआ है। हम लोग से ये बोला गया है इसके पास मैग्नीट्यूड, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मॉड जेड है उसका वैल्यू रूट अंडर टू बाई फाइव है, तो जाके जेड बार कितना होगा। तो देखिए जैसा जेड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जब आप ऊपर में होल स्क्वायर करेंगे तो वन स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा, और इसके नीचे में ए माइनस आयोटा बच गया। हम लोग को ये पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, वन के साथ कैंसिल, बच गया कितना टू आयोटा के डिवीज़न में ए माइनस आयोटा। हम लोग ये जानते हैं डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो रैशनलाइज करते हैं, तो ए प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना हो जाएगा टू ए आयोटा और प्लस टू आयोटा स्क्वायर, और डिवीज़न में अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। थोड़ा और सॉल्व कर ले तो ऊपर में आ जाएगा माइनस टू ए आई आयोटा, और उसके बाद डिवीज़न में अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम लोग इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे रूट अंडर माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू ए का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वन, और ये क्वांटिटी दिया हुआ है रूट अंडर कितना टू बाई फाइव। जब स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे हम लोग तो मिला कितना फोर प्लस फोर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी है टू बाई फाइव, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टू से जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो टू ए टू द पावर फोर, और उसके साथ में प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस टू, ये ऐसा हो गया। एक तरफ सबको शिफ्ट कर देते हैं, टू ए टू द पावर फोर, फिर माइनस में सिक्सटीन ए स्क्वायर, और ये इधर गया तो माइनस में एटीन इज ज़ीरो, टू से कैंसिलेशन, ए टू द पावर फोर माइनस एट ए स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, स्प्लिट माइनस नाइन मतलब ए टू द पावर फोर, ये बाई क्वाड्रेटिक हो रहा है, माइनस नाइन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके साथ में माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस नाइन एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ए स्क्वायर का वैल्यू नाइन, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस थ्री, ठीक है प्लस माइनस थ्री, ये ए का वैल्यू हो गया। पूछ रहा है जेड बार कितना होगा, तो ए पुट करके पहले जेड डिफाइन करना होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग जेड बार निकालेंगे। तो जेड कितना लिखा जा सकता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जेड कितना लिखा जा सकता है, जेड यहां से लिखा जा सकता है, देखिएगा ये हो गया नाइन प्लस वन टेन, तो माइनस वन बाई फाइव, और ये फिर से टेन, तो माइनस टू वन बाई फाइव ए आयोटा, तो ए तो खत्म हो गया, और ए के जगह पे कितना था थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई फाइव आयोटा, और चाहिए उसको जेड बार, तो जेड बार हो जाएगा माइनस वन बाई फाइव प्लस थ्री बाई फाइव आयोटा। अब प्लस माइनस के हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये तो लास्ट वाला करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़िया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 26 है, और इस 26 में अपने पास जैसा क्वेश्चन दिया गया है आप अगर इसको ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। जेड माइनस अल्फा बाई जेड प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो हम लोग पहले भी बात किए हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया होता है तो उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं समथिंग कुछ एक्स प्लस आई वाई टाइप, और उसके बाद बोला गया जेड माइनस अल्फा बाई जेड प्लस अल्फा, तो यानी कि एक्स प्लस आई वाई माइनस अल्फा, और इसके डिवीज़न में एक्स प्लस आई वाई प्लस अल्फा, तो यहाँ से x माइनस अल्फा एक टर्म हो गया इसके साथ प्लस आई वाई, और डिवीज़न में आ गया x प्लस अल्फा,
और इसके साथ प्लस आई वाई, ये ऐसा। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले तो रैशनलाइज करना पड़ेगा ना, तो प्रोसेस क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन। जब हम लोग रैशनलाइजेशन प्रोसेस कर लेंगे तो उस समय जो मिलेगा वो आ जाएगा x माइनस अल्फा प्लस आई वाई, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x प्लस अल्फा प्लस आई वाई के साथ, और डिवीज़न वाला जो टर्म आएगा वो हो जाएगा x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और इसके साथ में y का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल रैशनलाइजेशन है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आने वाला है वो फर्स्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर x माइनस अल्फा से अल्फा, एक्चुअली में ये a है ही नहीं अल्फा है, x माइनस अल्फा का आई वाई से, तो प्लस एक्स वाई आयोटा, फिर माइनस अल्फा वाई आयोटा, फिर उसके बाद प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन x माइनस अल्फा इन दोनों के साथ हो गया, फिर x मल्टीप्लाई हो गया y के साथ, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया y के साथ, और आई वाई ये मल्टीप्लाई अभी इससे नहीं हुआ है ना, ठीक है, इसके साथ में आ जाएगा अपने पास एक्स वाई आई, आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ नहीं, एक्स वाई आई आयोटा, और फिर उसके बाद अल्फा वाई आयोटा, इतना टर्म आएगा, कितना हो गया, दो दो चार दो छः दो चार छः सात, हाँ ठीक है, एक लास्ट ये वाला, ठीक देख लीजिएगा, इसमें से टर्म अगर कुछ रिपीट कर गया तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और डिवीज़न में कौन, एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हम लोग को चाहिए क्या कि प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर बोलता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दिया हुआ है इज इक्वल्स टू जीरो, जेड नहीं एक्चुअली में पूरा एक्सप्रेशन, तो रियल पार्ट यहाँ पे कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, बस इतना, दिस पार्ट इज ज़ीरो। तो अल्फा स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, रहने दीजिए इसको। उसके बाद हम लोग से बोला गया कि मॉड जेड जो है ना ये 2 है, तो मॉड जेड अगर 2 है इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट 2 है। हाँ, यही कैलकुलेशन हमको देखना था एक्चुअली में कि हो क्या रहा है, ठीक है। साइन हम लोग चेंज किए थे, हाँ दिख गया हमको, इस प्लेस पे माइनस होगा, ठीक है, उस प्लेस पे माइनस होने के कारण बाकी जगह से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाकी जगह पे अपना चेंज कर लीजिएगा क्योंकि उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये टर्म आया था उसी समय ये थोड़ा सा है ना समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, उसके कारण बाकी यार जहाँ पे जो प्लस माइनस करना है कर लीजिए, हमको और किसी से फ़र्क नहीं है, फ़र्क केवल इसी से, इसके कारण ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा 4, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 2 ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए देखेंगे। 28 में ये बोला गया फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऑफ द फॉर्म 1 प्लस आई अल्फा, तो जेड कितना अपने पास दिया हुआ है 1 प्लस आई अल्फा, बोला जा रहा है जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तो ठीक है जेड स्क्वायर मीन्स क्या होगा 1 प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस आई वाई के बराबर आएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट में, तो 1 प्लस आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आयोटा, और ये क्वांटिटी एक्स प्लस आई वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ से हम लोग रियल पार्ट यानी एक्स कितना लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के कारण माइनस 1 आ जाएगा, और वाई कितना लिख सकते हैं हम लोग 2 अल्फा। अब देखिए ये क्वांटिटी कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस यही चीज़ हम लोग को चेक करना होगा, ठीक है, तो पुट करके चेक करना होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में पुट करते हैं, वाई के जगह पे 2 अल्फा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम
वन माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स की जगह प्लस टू, तो सॉल्व किया गया तो फोर अल्फा स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर अल्फा स्क्वायर और प्लस टू, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अलावा और कौन हो सकता है, एक माइनस फोर दिया हुआ है, माइनस फोर मिल गया, बी ऑप्शन। देखिए वाई स्क्वायर मतलब टू अल्फा स्क्वायर प्लस फोर टाइम वन माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस फोर, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फोर अल्फा स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर अल्फा स्क्वायर और माइनस फोर, देखिए ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो के जीरो। तो चेक करना था केवल कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया जेड नॉट इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ठीक है, आयोटा या माइनस आयोटा नहीं ले सकते, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस आयोटा। देखिए यहाँ लिखा है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर बोलेगा एनी कॉम्प्लेक्स नंबर तो जेड को अज्यूम कर लेंगे एक्स प्लस आई वाई, और उसके बाद बोला गया जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस आयोटा, तो लिख सकते हैं कैसे, एक्स प्लस आई वाई माइनस आयोटा और डिवीजन में एक्स प्लस आई वाई प्लस आयोटा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस आयोटा कॉमन लेके वाई माइनस वन और डिवीजन में एक्स प्लस आयोटा कॉमन लेके वाई प्लस वन। अब हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे तो रैशनलाइजेशन करना होगा, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, और रैशनलाइज करने में बहुत सारा टर्म आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बोला ना प्योरली इमेजनरी, तो अगर प्योरली इमेजनरी बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट शुड बी जीरो। तो हम लोग केवल रियल के लिए डील करेंगे, रियल का मतलब हुआ कि जब आप रैशनलाइज कर रहे होंगे एक्स प्लस आई टाइम वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस आई टाइम वाई प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस आई टाइम वाई प्लस वन और डिवाइड करेंगे एक्स माइनस आई टाइम वाई प्लस वन से, तो उस समय रियल रियल थोड़ा हाईलाइट कर दें हम, रियल रियल का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो रियल होगा और इमेजनरी इमेजनरी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो रियल होगा। तो केवल इन्हीं दोनों पे हिट कर रहे हैं, बाकी कुछ लिखने वाले नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे प्लस आई वाई माइनस वन माइनस आई वाई माइनस वन, तो माइनस आई स्क्वायर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वन, ये आ गया, ये क्वांटिटी मेरा जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर के कारण ये प्लस, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन इज ज़ीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल, वन, ठीक है। अच्छा अब इसको हम थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर एक नेगेटिव दे दिए और एक माइनस वन लेके वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन लिखा जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाद में क्या किया ना कि ये जो माइनस वन ब्रैकेट में हुआ करता था इसको तो हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, वो लिखेंगे अभी, अरेंजमेंट है, ज़्यादा बड़ा करके किसी भी क्वेश्चन को फ़ायदा नहीं है, जितना काम का चीज़ है उतना यूज़ कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया वन, यानी कि स्प्लिट होगा तो x माइनस आई वाई और इंटू एक्स प्लस आई वाई में होगा, और ये क्वांटिटी कितना है, वन, यानी कि यहाँ से अगर आप ब्रेक करते हैं कि x प्लस आई वाई तो ये वन बाई एक्स माइनस आई वाई के बराबर होगा। अब चेक कीजिए फर्स्ट लाइन ऊपर का, z x प्लस आई वाई था तो इसके जगह z और ये वन बाई जेड बार हो गया, तो जेड किसके बराबर, वन बाई जेड बार। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लें कि क्या हो सकता है, देखिए निकालना क्या था, जेड प्लस वन बाई जेड चाहिए था, तो जेड के जगह आप वन बाई जेड बार पुट कर सकते हैं या वन बाई जेड के जगह जेड बार पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल वही रहेगा, हम क्या बोले अभी, वन बाई जेड के प्लेस पे जेड बार, तो जो हम लोग को चाहिए था क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था जेड प्लस वन बाई जेड, तो जेड तो जेड रह गया और वन बाई जेड बन गया जेड बार। जब कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो हम लोग पढ़े थे ये टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, देख लीजिए क्या आ रहा है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर अदर दैन वन, एनी नॉन जीरो रियल नंबर प्योरली, ये आ जाएगा एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31
31 में अपने पास ये दिया हुआ है, इफ w बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो यहाँ अज्यूम करके नहीं चलेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दो अननोन होता है, x और y। अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं तो चार अननोन हो जाएगा, फिर सॉल्व कहाँ से करेंगे, उतना इक्वेशन है ही नहीं अपने पास। तो क्या किया जाए कि w माइनस w बार z इज इक्वल्स टू गिवन है k टाइम्स 1 माइनस z। थोड़ा अरेंजमेंट कर लीजिए और इस क्वांटिटी को इधर ले आइए। सर क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स को हम एक तरफ रख लेना चाहते हैं, नहीं होता है वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं वैसे, और कांस्टेंट को अलग रखती है। ये कांस्टेंट के कौन है? ये एक रियल कांस्टेंट नंबर है, रियल कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब ये क्वांटिटी जो होगा ये भी क्या आएगा मेरा, प्योरली रियल। ये कैसा आएगा? प्योरली रियल। तो इसके लिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इसका मतलब हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट बराबर होता है ना, प्रॉपर्टी में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग ये लेके चल सकते हैं कि w माइनस w बार z बाई 1 माइनस z का जो होल कॉन्जुगेट होगा वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा बाई 1 माइनस z। कहने का मतलब ये हो गया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ये आ जाएगा ओमेगा z बार, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस z बार, और दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू w माइनस w बार z और डिवीजन में 1 माइनस z। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो आया कितना w बार, ये वाला क्वांटिटी जो है ना, ये वाला क्वांटिटी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी। तो 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस w z बार माइनस z w बार और प्लस w z इंटू z बार, ये हो गया इज इक्वल्स टू राइट साइड वाला 1 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं पहले। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो w माइनस w बार z माइनस z बार w और प्लस ये आ जाएगा w बार z इंटू z बार, ये ऐसा हो गया। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को कि क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है। देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पे मेन फोकस है कि z इंटू z बार जो होता है ये कितना होता है, मॉड z स्क्वायर। तो अब हम लोग जहाँ कैंसिल हो रहा है वहाँ कैंसिल कर लें, w z बार, w z बार, z w बार, ये भी कैंसिल हो गया। जो बच गया उसको थोड़ा लिख लिया जाए, तो w बार है लेफ्ट में और प्लस w z इंटू जेड बार, मॉड जेड स्क्वायर होता है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किए कि कॉम्प्लेक्स इंटू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी। और ये इज इक्वल्स टू w प्लस w बार मॉड जेड स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड में से आप लिख सकते हैं, अच्छा टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए ना, तो इसको भेज देते हैं लेफ्ट में थोड़ा अरेंजमेंट के लिए, और इसको लेके आ जाते हैं राइट में। तो क्या बोला गया, w बार माइनस w बार z स्क्वायर इज इक्वल्स टू w माइनस w मॉड z स्क्वायर। जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो w बार के साथ क्या आ जाएगा, 1 माइनस मॉड z स्क्वायर, और इधर w कॉमन लेके आ जाएगा 1 माइनस फिर से मॉड z स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, एक तरफ शिफ्ट करके 1 माइनस मॉड जेड स्क्वायर और w बार माइनस w दैट इज इक्वल्स टू 0। तो कारण है कि ये क्वांटिटी तो 0 होगा नहीं कभी, तो मेरे पास आया 1 माइनस मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो मॉड जेड जो होगा वो कितना आएगा, 1। ये आंसर कहीं, हाँ ये रहा, ठीक है समझ में आया कैसे होगा। अच्छा जेड सच दैट मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1। और एक चीज़ डी में भी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है डी में भी दिया हुआ है, तो डी वाला होगा या ए वाला होगा, जेड नॉट इक्वल्स टू 1, ए नहीं होगा तब डी आंसर आएगा, ठीक है आंसर कौन आएगा, डी, क्योंकि जेड 1 भी तो हो सकता है। जेड के बारे में तो कोई यहाँ पे कंडीशन है नहीं कि जेड जो है वो
कॉम्प्लेक्स नंबर ही है या प्योरली रियल है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इस कारण से हम लोग क्या लेके चलेंगे, डी, ठीक है, जेड नॉट इक्वल्स टू वन, क्योंकि वन कर देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, और डब्ल्यू जीरो नहीं हो सकता है इस कारण से, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,